हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी मैं जा रहा हूँ, सडनली प्लान बना सुबह यानी कि चलो चलते हैं कंचनजंगा फॉल्स, जो कि मैं सोच ही रहा था कि, लेकिन वो रास्ता पे पड़ता है इसलिए मैंने सोचा कि कभी दिन और आपको टूर दे देता हूँ, लेकिन आज फाइनली प्लान बन गया और उन्होंने कहा कि अभी चलना है। तो वीडियो को फुल एंजॉय करेगा। जो कंचनजंगा फॉल्स है, बहुत बढ़िया वाटरफॉल, स्पेशली वो रेनी सीजन में बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन इस समय भी वो किसी से कम नहीं है। तो आपको वहाँ के बहुत सारे प्यारे प्यारे नेचुरल ब्यूटी का भी मैं टूर दूंगा और फॉल्स का भी ऑब्वियसली टूर दूंगा, और उम्मीद है आप सब इंजॉय करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और गाइस, अभी बज रहे सुबह के 10 और अभी हम लोग निकाल चुके हैं, और इधर आज मेरे साथ है पोसु भैया, और वही ड्राइव करेंगे। तो अभी मिलते हैं आपको जो सिक्किम के बहुत ही फेमस कंचनजंगा वाटरफॉल है। हाँ, यहाँ से जो हमारा गांव है यहाँ से 2 किलोमीटर है। तो ऐसे हम लोग आ चुके हैं रोड पे, ये हेलमेट है, और अभी फोसू भैया लेने गए हैं स्कूटी, और यहाँ से गांव का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है, देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे रहा होगा, वो अंत तक है। और उम्मीद है हम लोग टाइम से आके पहुंच जाएंगे। और ये हमारा गांव का टॉप है, ये रोड है, मेन रोड। अभी आ रहे फोसू भैया, इसी पे चला जाएगा। मीटिंग तो बने ओके। और गाइस, अभी स्टार्ट हो चुका है राइट, तो एंजॉय करिएगा। पहुंच चुके हैं गाइस, देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट भी आ रखे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन सब खोल चुके हैं, देख सकते हैं इस तरह का है। और गाइस, यहां हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखता है वाटरफॉल। अभी तो रेनी सीजन नहीं है इसीलिए अभी बहुत छोटा है, लेकिन आपको जो बड़ा वाला है उसको आपको ऊपर दिखाऊँगा। और ऊपर जाने की रास्ता कुछ इस तरह का है, यहाँ से जाने के बाद बेचने के सामान भी रखे गए हैं, जो जलपान के काम होगा, और यहाँ से जाना होगा। ये देख सकते हैं पीछे में इस तरह का है, और ये तो मेन नहीं है ना, मेन तो हमको जाना पड़ेगा, और ऊपर कुछ इस तरह का रास्ता है, बहुत ख़तरनाक, इसको भी बहुत एकदम ख़तरनाक जगह से बनाया गया, देख सकते हैं ऊपर एकदम चट्टान चट्टान। और गाइस, हम लोग घूम चुके हैं, और यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरह का है सीन। और जो यहाँ से नज़ारा आ रहा है वो बहुत प्यारा है, ये पेन के फोटो भी खींच सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं यहाँ कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस भी आपको मिल जाएंगे, जो कि यंग हाँ
आपको कुछ चार्ज लगेंगे, और यहाँ पे सिक्किम के जो ट्रेडिशनल ड्रेस होते हैं उसको भी पहन के आप फोटो खिंचवा सकते हैं। और ये देखिए देखने में कुछ इस तरह का है, और यहाँ खिंचवा भी रहे हैं, तो आपको थोड़ा आगे जाके दिखाते हैं जो भी है इस तरह के कुछ दिखता है। और नीचे भी बहुत खतरनाक पार्टी, और ये देखिए गाइस, इसको भी बम्बू से बनाए गए हैं, और देख सकते हैं इस तरह से बम्बू से हिसाब से ब्रिज बनाया गया है। और जो यहाँ से व्यू आ रहा है वो बहुत ही अमेजिंग है गाइस, आपको दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है यहाँ पीछे से देख सकते हैं आप। ये जब रेनी सीजन होता है, अभी तो बरसात की मौसम नहीं है इसीलिए अभी ये थोड़ा होता है, और जब बरसात की मौसम होता है तो जो इसके पानी है वो कम से कम यहाँ तक आता है जैसे कुछ भैया बता रहे हैं। और यहाँ आने के बाद जैसा महसूस हो रहा है यहाँ, जो यहाँ आने के बाद महसूस होता है फील होता है बहुत मज़ेदार एकदम। तो आपको थोड़ा आगे जाके दिखाते हैं जो यहाँ के व्यू है, और भी मस्त से पानी यहाँ आ रहा है, तो बहुत सब चीज़ें अलग है। तो और आगे जाते हैं अगर कुछ, वाओ गाइस इट्स अमेजिंग, तो यहाँ से बहुत ही मज़ेदार है, थोड़ा डरावना भी है क्योंकि गाइस कुछ इस तरह का व्यू है। वाओ से आना पड़ेगा, अभी जब वाटरफॉल यहाँ ज़्यादा होता है उस समय ये बहुत मज़ा आता है, लेकिन हम देख सकते हैं वाटरफॉल जो है वो अभी बहुत कम है इसीलिए अभी हम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, अभी बहुत छोटा है, और आप बड़ा वाला आपको दिखा दिए, और यहाँ से कुछ सीन कुछ इस तरह का है। और ये काउंटर, और इधर हम आ चुके हैं एक छोटे से देसी रेस्टोरेंट में, इधर देख सकते हैं कुछ इस तरह के खाने के, और आंटी जी को हम लोगों ने चाय मंगा लिया है, और ये हम लोगों का गरम गरम चाय भी आ गया देख सकते हैं। और अभी मौसम भी थोड़ा ठंडा है, तो उसके हिसाब से चाय भी ठीक है। यहाँ पे सुनील भाई कुछ खरीद रहा है, ये खरीद गए हैं मम्मी के लिए थोड़ा। One eternity later. हम लोग उस ब्रिज पे आ चुके हैं जो आपको जाते समय दिखाया था, जो कि यहाँ से भी व्यू बहुत प्यारा नज़र आता है, आपको दिखाना चाहूँगा। और जो ये नदी है नीचे आपको दिखाने वाला हूँ वो एकदम हिमालय के पानी है, ये डायरेक्ट हिमालय से आता है, और कहा जाता है कि इस पानी में नहाने के बाद जो भी हमारे शरीर में छोटे मोटे जैसे फिजिकल इन्फेक्शन होते हैं और जो भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो सब भी ठीक हो जाता है। तो आपको कुछ इस तरह का दिखते हैं, देखिए बहुत ही बड़ा है, नीचे तो नहीं जा सकते हैं, कुछ इस तरह से असल जगह का जो बर्फ है वो पिघलने के बाद ये नीचे नीचे आता है। आपने देखा कि मैं और फोसु भैया गए थे जो कंचनजंगा वाटरफॉल है, और हम सब ने बहुत इंजॉय किया, उम्मीद है आप सब ने भी इंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह की एडवेंचर डेली लाइफ एक्सपीरियंस आपको यहाँ ब्लॉग में मिलेंगे। आई होप यू आर इंजॉइंग माई एवरी ब्लॉग्स, विश यू ऑल द बेस्ट, मीट यू अनदर न्यू ब्लॉग विथ न्यू इंटरेस्टिंग एंड न्यू इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स। तब तक के लिए चाहता हूँ मैं आपसे अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में नए ब्लॉग में न्यू एनर्जी और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।